नमस्कार, glimpse.in में आपका स्वागत है। धमतरी इंडोर हॉल के पास लाखों की लागत से कॉम्प्लेक्स बनाया है, जिसे रोजगार हेतु 3 साल पहले बेरोजगारों को दिया गया था, लेकिन अब उन्हें दुकानदारों से निगम किराया नहीं वसूल कर पा रहा है। नगर पालिका से नगर निगम बनने के बाद प्रशासक कार्यालय में स्थानीय इंडोर स्टेडियम के सामने लाखों की लागत से कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया था, लेकिन उन दुकानों को बिना अनुबंध के बाद भी टेंडर निकाल कर लोगों को आवंटित कर दिया गया। इसमें विपक्ष के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया था कि अपने हितैषियों को दुकान देने में बंदरबांट किया गया है। सामान्य सभा की बैठक में इसकी जांच की मांग की गई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाया। 3 साल बीत जाने के बाद भी निगम प्रशासन प्रीमियम और किराए की राशि दुकानदारों से वसूल नहीं पा रहे हैं। इस मामले में विपक्ष ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, कहा है कि बिना अनुमति के कैसे आवंटित कर दिया गया और अब किराया भी नहीं वसूल रहे हैं। इंडोर हॉल में जो 17 दुकानें बनी हैं, लगभग दुकान बने 2 साल हो गया और वहाँ 2 साल से व्यापार चालू हो चुका है। ये बड़ी दुख की बात है और कहने में मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि नगर निगम की दुकान, नगर निगम की संपत्ति, लेकिन आज तारीख तक नगर निगम को ना कोई प्रीमियम राशि प्राप्त हुई है और ना ही कोई किराया प्राप्त हो रहा है। उसके बावजूद हम लोग पिछले सामान्य सभा की बैठक में इस मुद्दे को उठाए थे, बहुत जोर शोर से मेरे द्वारा उठाया गया था, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। इवन यहाँ तक यह हुआ कि शासन से भी दुकान को खाली करने का आदेश आ गया, उसके बाद भी हमारी महापौर उस दुकानों को खाली कराना नहीं चाह रहे, मुझे उनकी मंशा समझ ही नहीं आती। इस मामले में राजस्व विभाग के प्रमुख पार्षद नीलेश भारद्वाज ने कहा है कि अनुबंध के लिए सामान्य सभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रस्ताव पास होने के बाद उसे राज्य शासन को भेजा जाएगा, अनुबंध होने के बाद ही किराया वसूली की जाएगी। महापौर ने कहा कि अनुबंध बहुत जल्द कर लिया जाएगा। उनको नोटिस दिया गया है इंडोर स्टेडियम के, क्योंकि उनका भी अनुबंध भी नहीं हुआ है, केवल हम नीलामी के तहत उनको दुकान दिए गए हैं, तो उस पर प्रोसेस है। शासन को लेटर लिखे हैं कि हमने दुकान दी, तो शासन से लेटर आएगा, उनका अनुबंध करके फिर उनको किराया निर्धारित होगा, फिर उनको दिया जाएगा। तो जितने जिस दिन से वो काबिज हैं उस दिन से उनका किराया पूरा लिया जाएगा। अब ये तो निर्धारित होने पर बताएंगे आपको। बहरहाल अब सवाल उठता है कि आखिर अनुबंध नहीं हुई थी तो दुकान आवंटित क्यों नहीं की गई? क्या इसके वसूली जब से दुकान आवंटित की गई है तब से की जाएगी या फिर अनुबंध के बाद से? यह एक बड़ा सवाल है। जांच की रिपोर्ट अगले सामान्य सभा में लाने की बात कही जा रही है। धमतरी में भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।